जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 12 से 20। इष्टान भोगानि वो देवा दाशन्ते यज्ञ भाविताः तेरदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। शरीर पांच भौतिक सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है, अतः स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही हैं। शरीर स्वयं के किंचन मात्र भी काम नहीं आता, प्रत्युत शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों यानी कि अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुचन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगं पापाये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप है और निष्काम भाव से दूसरे के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है, इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समोद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समोद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानो वर्तयति यः अगयारिद्र्यो रामो मोगं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अगायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है, कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्य कल का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुँचती है। वर्तमान में जो अन्न जल वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उसमें मनुष्य का कर्तव्यच्युत होना ही प्रधान कारण है। मनुष्य के कारण ही ये सब आपदाएं आती है। अपने लिए कर्म करना अनधिकृत चेष्टा है, कारण कि जो कुछ मिला है वह सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही हैं, अपने नहीं, अतः हम पर संसार का ऋण है जिसे उतारने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए ही करने हैं। यस्तत्त्वात्मरितेव स्यादात्मतर्पश्यमानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन
न चाश्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जैसे करना प्रकृति के संबंध से है, ऐसे ही न करना भी प्रकृति के संबंध से ही है। करना और न करना दोनों सापेक्ष है, परंतु तत्व निरपेक्ष है। इसलिए स्वयं चिन्मय सत्र मात्र का न तो करने के साथ संबंध है, न नहीं करने के साथ संबंध है। करना न करना तथा पदार्थ, ये सब उसी सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती, इसलिए उसका न तो कुछ करने से मतलब रहता है, न कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और न उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से ही मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तो है चर्म कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रत्युत आसक्ति से बनता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम दूसरों की सेवा के लिए और विश्राम अपने लिए है। कर्मणे वी संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापी संपश्य कर्तुर्महर्षि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तो निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। जनकादि राजाओं ने भी कर्म योग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी। इससे सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार अध्याय 3 का श्लोक संख्या 12 से 20 आज पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।